सकती है। पीछे हट, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, कर ले। तू जानता नहीं है लड़की की पावर क्या है? क्या पावर है? पावर है लड़के की। क्या पावर है? है, तुझे दिखा सकती। दिखा पावर, पावर दिखा, पावर पावर दिखा। तुझे बहुत पावर। ले पैर दबा बेटे, अच्छा लगता है ये, ससुर से काम करो। ये बाप है क्या? और कौन है ये? कलंक है, एक नंबर का। ये कलंक है? हाँ ये कलंक, कलंक है। तेरी लुगाई है। मेरी लुगाई नहीं, और तू कलंक है। मैं कोई कलंक नहीं हूँ, ये मेरा बाप कलेशी है और कलंक है ये। इससे पूछ क्या करती है तेरी पत्नी? मेरी बाप इसका हमेशा सेवा करती, दिन रात करती है। सेवा करती है, चुप रहे, इसको बोलने दे जो बोल रहा है। अंकल जी आप सच बताओ, बिल्कुल हमने कैमरा स्टार्ट कर दिया है? बेटे इसकी घरवाली ने मेरा जीना हराम कर रखा है। जब ये काम पे जाते हैं तभी मेरे से कभी पार दबा मेरे, और यहाँ तक की कह रही है, कल कह रही है भीख मांगने जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, चुप रहे। इसकी इतना सेवा करती है वो, वो सेवा करती है, सेवा करती है। सारी सेवा तेरे पिछवाड़े में तो निकाल लूंगा। उसको बुला रखा है मैंने यहाँ पे, कॉल करवा के अंकल से। कहाँ है अभी तेरी पत्नी? होगी घर पे है वो। घर पे नहीं है वो, आने लग रही है, उन दावे है। देखते हैं, इसीलिए तुझे भी बुलाया कॉल करके कि यहाँ पे आ। अरे ये कभी विश्वास नहीं करेगा, झूठ बोल रहा है, एक नंबर का। दिन रात मेरे सामने आंखों से, आज तेरी आंखों से लाइव नजारा दिखाऊंगा। मेरे आंखों के सामने इसकी सेवा करते, रोटी सब कुछ सेवा करती है, ये कैसे झूठ बोल रहा है? ये बाप है क्या? घर पे आपने इसको कितनी बार बता चुके हो आप? मैं कई बार बता चुका हूँ, मानता ही नहीं है। ये साला पक्का बेशरम है। मेरे आंखों के सामने इतना सेवा करती हूँ, मैं कैसे मानूं? तेरी आंखों के सामने ये झूठ कह रहा है ये बुड्ढा। ओए जे जो तेरी आंखों के सामने जाड़ा लगा हुआ है ना, जिसको निकाल लूंगा। झूठ कह रहा है, एक नंबर का यार, झूठ कह रहा है। अभी तेरे आगे दिखाऊंगा वो क्या करती है, और वो जो करेगी उसके चक्कर में तू पिटेगा। इतना विश्वास करता है ना उस पे, अपने बाप पे नहीं करता। क्यों बाप गलत झूठ बोल रहा है? मेरे आंखों के सामने ही उतने सेवा करती है वो। अंकल शादी कैसे हुई थी इनकी? अरे इनकी लव मैरिज हुई, मैंने मान लिया। कितने दिन पहले लव मैरिज करके आया है? एक साल हो गया हमें। कितने साल का है तू? 27 साल का हूँ मैं। तेरे बाप को तुझे पालते हुए 27 साल हो गए, तुझे इस पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है? मेरे सामने की बात है, इतना चुप हो जाना, मारूंगा यहाँ पे अब। कल तो दवाई लेनी थी, उससे पानी तक उठा के ले गई कमरे से। बताओ कहाँ जाओ मैं भरूं? अंकल वो पानी भी ले गई कमरे में से। एक बार बताओ क्या क्या करती है आपके साथ? अरे बेटे मैं बीमार हूँ, दवाई ले ले के लिए पानी की तो जरूरत होती है ना। बिल्कुल होती है, पानी तक नहीं देती, कह रही है कि भाई जा बाहर मर। कैसे झूठ बोलोगे आप? मेरे लिए पानी भी नहीं है यहाँ पर, बताओ पानी तक नहीं है मेरे घर में। आज उसके सारे पर्दे खोल लेंगे, वो आने वाली है। ठीक है अंकल, जल्दी आप यहाँ पे बैठ जाओ और तू पीछे जा। पानी के लिए तो मत बोलो, हमारे पास टाइम नहीं है, वो आसपास में ही आ रखी है। जो चीज होगी ना सामने ही होगी। अब चुपचाप वहाँ पे खड़ा होके तमाशा देख। ठीक है अंकल बैठो जल्दी, वो अभी आने वाली है यहाँ पे। आप रोने की कोई जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये माइक लगाओ, मैं आपके साथ हूँ, ये माइक लगाओ। ठीक है भाई, जब तक वो नहीं आ जाती, जब तक कैमरे को साइड में करते मिलते उनके आने के बाद। ओ बुड्ढे यहाँ क्या कर रहा है तू? बेटे एक मिनट बैठ, मेरी बात तो सुन ले बेटे। अच्छा मैं यहाँ बैठने आई हूँ क्या? मैं यहाँ बैठने आई हूँ? बैठने नहीं बेटे। तू यहाँ पे क्या कर रहा है मुझे ये बता। घर में झाड़ू बाकी है, बर्तन बाकी है, पोछा बाकी है, सब कौन करेगा? बेटे, कौन करेगा? बेटे, मैं करूँ? बेटे मैं तेरे को उस चीज के लिए नहीं कह रहा हूँ बेटे। मैं तेरे से यही रिक्वेस्ट करने के लिए बुलाया बेटे। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे ना तुझे मतलब डोज देना ही पड़ेगा। डोज समझ में पहले मैंने कुछ बेटे मेरी बात सुन बेटे। मेरा मन नहीं है कि मैं पार्टी करूं, मैं यहाँ जाऊं। हाँ कौन करेगा घर का? मैं अगर मैं घर का काम करूंगी तो मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊंगी बेटे? तुम जहाँ मर्जी जाओ बेटे, मैंने मना थोड़ा ना कर रहा हूँ तेरे को। बेटे मैंने बेटे मैं तेरे को मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज के लिए, लेकिन कम से कम ये झाड़ू पोछा तो मत करवा। तेरा ससुर हूँ मैं, कम से कम तेरी आरती उतारू, आरती उतारू तेरी। अरे बेटे मैं घर का काम करूँ सारा का सारा? तू मत कर, अच्छा लगता है ये, ससुर से काम करो। तो क्या करूँ क्या करूँ? हाँ आराम करते करते भी थक, मेरे को मार पीट के तू थक जाती है। हाँ तुझे मार पीट के मैं थक जाती हूँ, ज्यादा बोलेगा ना तू। अभी भी जुबान लड़ा रहा है मेरे से, जुबान लड़ा रहा है मेरे से, जुबान लड़ा रहा है मेरे से, जुबान लड़ा रहा है मेरे से,
लड़ाने की सोच ली, तेरा क्या? मैं जवाब नहीं लड़ा रहा बेटे, मैं तेरे पैर पड़ रहा, फिर को ऐसे मत कर। कौन है तुम? बैठूंगा। ओ हेलो, कौन है? बात करता हूँ मैं। अंकल निकालना वो यंत्र, यंत्र निकालना भाई। ये क्या है? ये मेरा वाईफाई, मतलब ये सिग्नल पकड़ता है। क्या सिग्नल? क्या पकड़ता है सिग्नल? ये पकड़ता है मेरा। अरे सिग्नल, हाथ छोड़ बना तेरे को। हाथ छोड़ दूँ? हाथ छोड़ दूँ? हाथ 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 छोड़ दूँ? अरे मार क्यों रहा है मुझे, छोड़ ना हाथ। क्या कर रही है इसके साथ? मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी करूँ, हाथ छोड़। इधर आ, तेरे लिए ना भारी पड़ेगा ये सोच। क्या भारी पड़ेगा? देख लो क्या भारी पड़ेगा, क्या भारी पड़ेगा। इधर आ, बताता हूँ। इधर आ, स्टेशन भेजूंगी तेरे। FIR करूंगी। ज्यादा तू अपने आप में हीरो बन रहा है ना। क्या FIR करेगी? क्या बचाएगा तू इसे? बचाएगा? तू करेगी क्या इसका? जो तूने, क्या लगता है इसका, जो तूने इसके साथ करना था वो कर लिया? मैं कुछ भी करूँ, मेरा मेरा ससुर है, मैं कुछ भी करूँ। ससुर है तेरा, लोग नहीं है। तेरा क्या लगता है? ससुर है तेरा, लोग नहीं है। कुछ भी है, तुझे क्या है? क्यों घुस रहा है तू? क्यों इंटरफेयर कर रहा है हमारे मामले में, ये बता पहले। मैं बताता हूँ, इधर आ सामने बोल। देख ये तेरे ससुर है, मैं प्यार से बोल रहा हूँ कि इनको परेशान मत कर। अच्छा, हाँ क्या करूँ? आरती उतारू इसकी? आरती मत उतार, ना इससे घर के काम करवा, ना झाड़ू पोछा करवा, टाइम पे इसको तो खाना दे। काम कौन करेगा? मैं करूंगी, मैं। और कौन करेगा? और कौन करेगा? कौन करेगा? निकल यहाँ से, निकल। तू निकालेगी मुझे? देख मुझे गुस्सा मत दिला। क्या गुस्सा आएगा तुझे? क्या कर सकती है तू? क्या कर सकती है? पीछे पीछे हट, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी तेरे लिए। तू जानता नहीं है लड़की की पावर क्या है? क्या पावर है? पावर है लड़के की? क्या पावर है? है तुझे दिखा, दिखा पावर, पावर दिखा, पावर पावर दिखा, तुझे बहुत पावर दिखा। मैं कह रही तुझे बहुत भारी पावर दिखा। इधर आ, मैं कुछ बोल नहीं रही, तू मेरे हाथ उठाए जा रहा है। अंकल क्या करती है ये आपके साथ? बेटे ये देखो, तूने कैसे हाथ पैर दबाती है, ऐसे मारती भी आपको घर में दिन रात। जब लड़का चला जाएगा काम पर, उसी टाइम मारना शुरू, जैसे इसका अच्छा, काम ही हो गया। आपके लड़के के सामने नहीं करती है? नहीं, उसके सामने तो करती नहीं है। तुम्हारे हस्बैंड को इन चीजों का पता लग गया तो कौन बताएगा? तू बताएगा मेरे हस्बैंड को? तुम्हें बुला सकता हूँ तो यहाँ पे, उनको भी बता सकता हूँ। चल बता, ठीक है, वो तेरी बात पे यकीन करने नहीं वाला, ठीक है ना? उसे बड़ा पता चलेगा। पक्का? क्या पक्का? पक्का नहीं पता चलेगा उसको। पहली बात तो तू है कौन, ये बता मुझे। मैं भी बता दूंगा। अरे भाई थोड़ा सा सब्र कर ले बेटे, ये बहुत गंदी औरत है, इस पे बहुत कुछ। हाँ भाई, ये है तेरी पत्नी, ये है तेरी पत्नी। मेरे बाप को मेरे सामने तू मार दिया है? तुम यहाँ, तुम तो काम पे गए थे ना, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? देख ली अपनी पत्नी? मैं देख लिया सब आंखों से अपने, तू कितना टॉर्चर करती है। मेरी बात सुनो, देखो मुझसे कितना कहती है। सॉरी, देखो मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग रही हूँ। तुम प्लीज प्लीज मुझे माफ कर। मैं तुझे माफ कर दूँ? माफ कर दूँ तुझे? माफ कर दूँ तुझे? प्लीज समझने की बात। क्या समझूँ? मेरे बाप को तू परेशान कर रही है, मैं समझूँ तेरी तेरी बात? हाँ देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूँ है? क्या समझूँ है? हाँ छोड़ो मेरा, हाँ छोड़ो, मतलब क्या सोच रहे? एक तो मैं माफी मांग रही हूँ और तुम अपने आप में ज्यादा शेयर बन। और करेगी क्या तू? तो और क्या करूँ? देखो मेरी गलती नहीं है सारी, मेरी बात सुनो पहले। तेरी गलती है। क्यों मेरी गलती क्यों है? तुमने मुझे फोर्स नहीं करा। हाँ मैंने क्या फोर्स किया तेरे को? तुमने मुझे फोर्स नहीं करा इस चीज करने के लिए। ये सब कुछ सारा इसका प्लान है। हाँ सारा क्या बोल रही है? सारा का सारा इसका प्लान है। अरे मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। एक मिनट, ओए चुप। क्या आप एक बार बताइए बात क्या है? सच बोल बिल्कुल। मैं कैसे बताऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सारा सारा प्लान जो है ना वो इसका था, इसने मुझे फंसाया। झूठ क्यों कह रही है साले? क्या प्लान था तेरा? क्या प्लान था? ओए इधर आ, सुनो, खड़ी हो आप, खड़ी हो। बाबू जी मुझे माफ कर दो प्लीज। खड़े हो अंकल जी आप, सच बोल क्या बात है? बात ये कि इसने मुझसे कहा कि इस बुड्ढे को ना घर से निकलवाना है, इसकी वजह से इसने सारा प्लान बनाया कि इसको ऐसे करेंगे, सारा टॉर्चर करेंगे और घर से निकाल देंगे। इसने ऐसे पूरा पूरा प्लान बनाया था। बाप को घर से निकाल लेगा? बाप को घर से निकाल लेगा? तुम्हारे पति ने कैमरा लगवा रखा है उधर, इसको पता है हमने कैमरा लगा रहा, देख दे रहा। जब तो तू नहीं बोला ये सारी चीज तू कर रहे है। हाँ मैं कर रहा हूँ, क्यों मैं अपने बाप को खुद से टॉर्चर नहीं कर सकता? अच्छा इससे करवा रहा है? हाँ इससे करवा रहा हूँ। किस लिए करवा रहा है? ताकि ये घर छोड़ के चले जाए यहाँ से। घर छोड़ के जाके तू आराम से रहना चाहता? हाँ मैं रहना चाहता हूँ आराम से। वो घर किसका है अंकल?
अंकल ये सॉरी ये तो आप ही की बहू की तो कोई गलती नहीं है, ये तो ये हराम ज्यादा निकला। अरे गलती बेटे एक बार तो बोल देता मेरे को, मैं अपने आप घर छोड़ के चला जाता तेरे लिए। अरे तू मेरी तो औलाद है भाई, कैसे बच्चे हैं ये यार। वैसे गलती तो तुम्हारी भी है जो अपने पति के बोलने पे तू ये चीजें करने लग रही है, गलती तो है। मैं क्या करती मैं कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करा और बोला कि तुझे ये करना ही पड़ेगा, ये घर से निकालना है इसको, जरूरी है। बाप को घर से निकाल, हां निकाल रहा हूं अपने बाप को, परेशान कर रखा है मुझे। अब तू निकलेगा अंकल, इसने परेशान कर रखा है, दिन रात जीना दुश्वार कर रखा है हम दोनों का। क्या कर रखा है इसने, जीना दुश्वार कर रखा है हम दोनों का। तुम इनको घर पे रखना चाहती हो या नहीं, इनको बोलते हम गांव। चुप 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 साले, घाट दूंगा यहीं पे जमीन में। तेरा बहुत हो रहा है मैं बता रहा हूँ तुझे। चुप साले, बोल बोल तू बोल बोल, क्या बोल लेगा बोल। तो पहली बात तो तू चुप, बोलते के साथ मारूंगा। चुपचाप खड़ा रहना, जब तक बोलने के लिए नहीं बोलूं ना बोलना मत। तुम अपने ससुर को अपने साथ में रखना चाहती हो? हाँ मैं रखना चाहती हूँ। अच्छा तो तुमने अपने पति को मना नहीं किया कि ये चीज क्यों कर रहा है? मैंने समझाया था कि ये सही नहीं है, हम रख लेते क्या प्रॉब्लम है, पर इन्होंने कहा नहीं मैं उस बुड्ढे को अपने साथ नहीं रखना चाहता। मैं अंकल क्या करती मेरे समझ में नहीं आया, और फिर मुझे बोला कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी ना तो तुझे छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। अंकल मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है कुछ। तू निकल अब यहाँ से, इसको भी तू भी निकल निकल यहाँ से निकल। भाई जूम करके दिखाना एक बार अंकल जी का हाल क्या हो गया। देख यार अंकल जी मैं आपको एक बात बताऊं, ये दोनों के दोनों आपको ना घर में रखने के लायक नहीं है, इनको दोनों को घर से निकाल दो, इनकी पुलिस कंप्लेंट कराओ। मैं आपको सच बताने लग रहा हूं, नहीं तो हमारी ऑडियंस बता देगी आपको क्या करना चाहिए, कॉमेंट बॉक्स में देख लेना। सच बोल रहा हूं, ये आपके पास घर पर रखने के लायक नहीं है। आप घर के राजा हो, अच्छी तरह से रहो, अगर आपके घर में इज्जत नहीं है तो इनको घर से निकाल दो, ठीक है बेटे? ये तो तुमने आज बचा लिया मुझे। अंकल जी ऐसे मेरा मत करो, जीना आराम कर रखा है। ऐसे मत करो, बोलो तो मैं आपके साथ चल के आपकी पुलिस में कंप्लेंट करा सकता हूँ। पुलिस में कंप्लेंट करवा दो, मेरे को तो ये मार देंगे। ठीक है एक बार मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ, फिर मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।